हेलो भाई, मैं उनको पवार। ये है अपनी क्या सेल्टॉस 2020, जिसमें बूट स्पेस आपको 400 प्लस लीटर से कुछ मिल जाता है। ये ST बेस ब्रांड है, तो इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती है और कार अभी चमक रही है क्योंकि कल ही ये धुलवाई है। अभी मैं आपको इसमें एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। टेस्ट किया अपनी मजबूरी है, टेस्ट तो ऐसे ही वीडियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, करना ही पड़ेगा। ये देखो, ये बूट स्पेस है इसका, काफ़ी सही दिखता है, मतलब दिखने में तो काफ़ी सही है। स्टोरेज के मामले में आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि कितना सामान इसमें आ पाता है। अभी पार्सल ट्रे मेरा लगवाने का इसमें कोई मूड नहीं है भाई, क्योंकि बिना पार्सल ट्रे के बहुत सही ये लगता है। जैसे अभी खाना पीना हो तो अपने इसमें बैठ के अपना खा लो पी लो, अपना जो भी करना है कर सकते हो। इसमें बंदे भी आराम से आ सकते हैं, बच्चे वगैरह जो भी हैं। अभी सीट कवर साहब देखो कितने गंदे हो रखे हैं, क्योंकि अपना है भाई जिम्मेदारी का काम, तो ये कट्टे वगैरह लाते रहते हैं तो वो सीन बन जाता है। अभी बात क्या हुई है, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, और अक्टूबर में जो धान होते हैं, चावल होते हैं, वो निकाले जाते हैं अपना खेतों में से बाहर, और उनको लेके जाते हैं अपने घर पे, घर से मंडी लेके जाते हैं, उनको बेच देते हैं, वो अपनी कमाई होती है, जिम्मेदार जो भी फार्मर जिससे कहते हैं। तो अभी क्या सीन है, ट्रैक्टर गया है जो दूसरे खेत के निकले थे उनको बेचने के लिए, और यहाँ पे अभी एक और खेत के अपने निकल रहे हैं अभी धान। तो अभी बात क्या है कि अभी इनको घर पर लेके जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ भी नहीं है, तो अभी बड़ी गाड़ी लोग देखते हैं, घर वाले देखते हैं, तो इसी को फिर कहते हैं कि इसी में भर लेंगे। तो देखते हैं कि इसमें पूरे खेत के अपने जो कट्टे होते हैं वो आ पाते हैं नहीं। तो अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कितने कट्टे टोटल बैठेंगे और कितने आ पाते हैं। अभी आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारा कोई टूर वूर जाना होता नहीं है, कोई घर वाले कहीं भी भेजते नहीं, तो वो जो सूट केस वाली बात होती है कि भाई सूट केस रख के हम अपना टेस्ट कर सके, वो चीज़ तो हमारी कभी हो ही नहीं पाई, ना सूट केस है ना कभी कहीं जाएंगे, मतलब वही यार घर वाले कभी भेजते ही नहीं है, कभी अलाउ ही नहीं करते। अभी उम्र भी थोड़ी कमी है, तो हरिद्वार से आगे हम कभी गए नहीं, तो टेस्ट तो हम ऐसे जो बंदे करते हैं सूट केस वगैरह रख के दिखा दे, वो चीज़ नहीं है। तो आज देखेंगे भाई कितने कट्टे वगैरह इसमें आ पाते हैं और कैसे कैसे हम इनको लेके जाएंगे। तो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन चलता है और कैसे, ये अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वो निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वो होते हैं, ठीक है भाई, वो उनको काटते हैं, काटने के बाद उनको इस ड्राम पर झाड़ते हैं जिससे वो अलग हो जाएँ, जो अपने धान के दाने होते हैं। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, वो रो निकलते हैं, रो निकलने के बाद हम ऐसी मशीन से उनको जो उनकी उनमें डस्ट सा होता है, डाइट सा होता है, उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है पूरा हम जैसे अपना ड्रम से निकालते हैं उस पर झाड़ते हैं, तो ये वाला निकलता है, इसमें जो ये एक्स्ट्रा चीज़ निकलती है ना, इनको हमको झाड़ निकालना पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर जो ये वाली चीज़ होती है ना, इनमें होते हैं भाई अपने चावल, जिनसे आप जिनको आप खाते हो, ये बासमती राइस हैं जो आप खाते हैं घर पे, तो वो यहीं से निकलते हैं। और ये वहाँ पे अभी जैसे हम तो इनको मंडी में भेज देंगे, उसके बाद ही निकल के अपना आगे जाते हैं, फिर जो भी कंपनी वगैरह इनको खरीदती है फिर आपके पास सुपरमार्केट में आ जाते हैं। अभी इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको डाल रहे हैं हम इनमें अंदर के अंदर, और ये अपने भाई आप कई वीडियोज़ में देखते हैं, तो इधर हम इनको डालते हैं, डालने के बाद इसके अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद यहाँ से होते हुए क्लीन, ये वाली जो डाइट होती है ना इसकी मैं बात कर रहा था, ये निकल जाती है पूरी, इसमें से वो दाने वाने जो भी है अलग हो जाते हैं, और जो साफ माल निकलता है वो ये निकलता है, बिल्कुल क्लीन होके यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी डाइट नहीं है और इस तरीके से निकल जाता है। अभी कोई बड़ा खेत होता है तो छोटा सा ये, मतलब पूरा खेत भी नहीं है, कौन खेत जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अपने ट्रॉली में ही वो निकालना पड़ता है। तो अभी इसमें कम ही निकलेगा, जो भी आप ये रॉ मटेरियल देख रहे हैं बस इतना ही है, इसको अपने को भरना है कट्टों में, यहाँ पे हम कट्टों में भर रहे हैं। इन कट्टों में भरने के बाद अब इनको हम लोड करेंगे कार में, देखते हैं कि कितने कट्टे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो 13 कट्टे हम लाए हैं, तो उनमें देखते हैं कितने बन पाएंगे, और ये अपना क्लीन निकल रहा है, इस तरीके से निकाला जाता है। अभी इनको टोटल मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने हो जाते हैं, इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस वर्क करता है। बाकी पहले क्या होता था, अभी तो जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले वो बड़े बड़े पंखे से लगा देते थे, उसके बाद वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता था, लेकिन ये अब एडवांस का काम चलने लग गया है, जो अपना मेहंदी बचा देता है 500 रुपये मेरे ख्याल से एक पर खेत के लेते हैं। तो ये भी अपना इसमें से निकल गया, इसमें ज्वार थी वहाँ पे अब बरसम बोदी, ऐसे करके ये अपनी कार खड़ी हुई है जिसको आज मैं लेके आया हूँ। ये मजबूरी भाई, गंदी तो होती है लेकिन करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, कल ही धुलवाई है मैंने ये, खैर अब हो जाने देते हैं इसको। तो भाई 10-15 मिनट के बाद सारा कुछ निकल चुका है, अब मैं आपको कट्टे गिनवा देता हूँ टोटल कितने बने हैं अपने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और थोड़ा और बच रहा है, तो 11 कट्टे टोटल
देखते हैं कि क्या सेल्टोस 2020 में पूरे आ पाते हैं नहीं। बूट का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, अगर हम सीट्स को भी लिटा देते हैं तो सब कितना बनता है। तो अभी सारे कट्टे भाई बंध चुके हैं, तो एक एक करके भाई अब कट्टों को रखेंगे और बहुत वेट होता है। वेट तो होगा इनमें भाई, बहुत रियलिटी में बहुत वेट होता है इनमें। अभी गिरते गिराते हैं यार, मेरे ख्याल से तो नहीं आएंगे सारे के सारे, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। एक सीट वैसे इतनी मलूक है, जाते और मलूक है, बहुत बेकार सीट कवर है। तो पहले इसको एक को इधर रख देते हैं। हाँ तो उठा कर रख, चल मैं कैमरा पकड़ू ला। अरुण पवार की जान, पूरा 50 किलो का कट्टा एक बार में अकेले, बे देखो फंसा दिया, अब ये निकलेगा नहीं इसमें से। तो अब दूसरा कट्टा रखने की बारी है भाई, इसको यहाँ पे रखेंगे। और मतलब स्पेस के मामले में तो बहुत बढ़िया है, जैसे फुल सीट आ गए ना, ये सीट उखड़ के लगे। तो अभी दो कट्टे आ गए हैं और ये भाई फालतू में पड़े रहते हैं, क्योंकि आज तक तो इनको यूज लगा नहीं है। बाकी अब इसको लिटाएंगे, तो अभी इन वाली जो इस वाली सीट है इसको लिटा लेते हैं, इसके बाद अब जो भी कट्टे आएंगे सारे इसमें रखेंगे हम। चल रख, चार कट्टे टोटल डन हो चुके हैं भाई, ये आप देखेंगे। और बहुत ज्यादा भारी है, एक में 50 किलो होगा, और मेरे को डर है सीट का कुछ ना हो जाए। बाकी और तो आ ही रही है, देखते हैं कितने आ जाते हैं भाई। एक चीज देखो, बीइंग अ जमींदार इज नॉट दैट इजी, ये बेचारे भाई को क्या क्या करना पड़ता है। तो भाई दोनों भाइयों के सर से गए हैं जितने भी कट्टे आप देख रहे हैं और जो भी इसमें रखे जाएंगे। तो एक बात कहना चाहूँगा भाई, जो आप अपने को देखते हो ना कि कार में घूम रहे हैं और वो चिल कर रहे हैं भाई, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये काम में हम मतलब फुली इन्वॉल्व रहते हैं भाई। अगर यहाँ पे इसने खाम खा रख दिया ना तो सीधे गाड़ी में ही जाते। तो 13 कट्टे हैं टोटल, व्हाट डू यू थिंक भाई, आ जाएंगे? तो अभी तक 5 कट्टे तो हमने रख दिए इसमें, दो आपने देखे नीचे, दो दो इस तरीके से आएंगे। तो चलो रखो फिर। ये है भाई लास्ट कट्टा अपना, ये 13वां ये है, अब इसको लास्ट रख देते हैं। तो 13 कट्टे आसानी से आ गए, अभी 2 कट्टे और बेसिक्स में आराम से आ जाते। टक ट्रोली होते तो अपने वहीं के वहीं भर जाते खेत से। खैर ये अच्छी बात है, किसी से मांगना नहीं पड़ा। गाड़ी फुल लोड हो चुकी है, फुल बहुत लोड हो गया, इस पे टायर देखेंगे आप चकरा है। अभी हम ये देखेंगे कि ये लोड कितना मानती है, जिसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन है उस पे कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो फटाफट देखते हैं भाई गाड़ी अपनी लोड मानती है नहीं, पावर कैसी है। और ये फुल सीट आगे हो रखी है, मैं बैठूंगा कैसे, बिल्कुल ही पीछे जाएगी नहीं। देखते हैं भाई, सेल्फ मार दिया है, चलो देखते हैं। फुल है लोड, और अगर मैं आपको गाड़ी पे वेट की बात करूं, गाड़ी पे कुछ लोड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो मेरे को तो 0% लग रहा है भाई। देखो कितनी भगा लूं मैं, 13×65 650 किलो का वजन फिलहाल इसमें है अभी, और ज़्यादा ही होगा, 50 किलो से ज़्यादा ही होगा वो कट्टा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, मतलब वही है पैसा वसूल हो जाते हैं यार। हमने मांगना नहीं पड़ा किसी का ट्रैक्टर, अपना गाड़ी से ही काम बन जाता है, और क्या चाहिए। तो अभी एक चीज़ और रह जाती है, घर पे रैंप पे ऊपर चढ़ पाती है नहीं कट्टों के साथ, वो चीज़ और देखेंगे। अभी घर वाले तो मना कर रहे थे कि बाहर ही निकाल लेंगे कभी ना चढ़ पाए, लेकिन वो चीज़ मैं जरूर टेस्ट करना चाहूँगा कि घर पे चढ़ पाएगी या नहीं। तो बातें करते हुए भाई घर पे भी आ चुके हैं और चढ़ाता हूँ भाई, कोई जोर ही नहीं पड़ता, बहुत ऊँचा रैंप पड़ जाता है हमारा, कई बार तो टिक जाती है गाड़ी, लेकिन वेरी नाइस, वेल डन किया ह्युंडई 1.5 लीटर डीजल इंजन इतने भरे लोड के साथ आप चढ़ गए, नाइस। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी भाई, जब मैं लेने वाला था तो मैंने बहुत जगह नोटिस किया था, वो लोग बोलते थे कि ये इसमें लगता है क्या, हमें ये दिक्कत है। तो अभी आप देख लो यार, मैंने तो अभी ये चीज़ देखी, बिल्कुल टायर कहाँ पे आ रखा है, ये देखो ये वाला तो नॉर्मल है, अभी लोड इतना ज़्यादा है इस पर कि ये भी अपना इधर आ रखा है। अभी थोड़ी स्लोप से पे भी खड़ी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो भाई अभी अनलोडिंग टाइम, फटाफट करा देते हैं इसको, वो देख के डर लग रहा है। तो मात्र 3 कट्टे उतरते ही देखो आगे ना ऊपर जाने लग गया ना, तो लोड का हिसाब किताब होता है सारा।
तो देखो भाई अभी अनलोड हो चुकी है, तो नॉर्मल कितनी रहती है क्या सेल्टोस? इतनी। और अभी आपने देख लिया कि जब लोड रहती है तो इतनी होती है। अभी बड़ी गाड़ी लेने का ये एडवांटेज होता है कि आप इसमें माल कितना ही लेके जा सकते हैं। अभी भाई बोलते हैं सोनट ले लेते, वो HTX आ जाता, टॉप मॉडल आ जाता, तो भाई उसमें ये फ़ायदा नहीं मिलता ना। एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी मेरे को, और हमेशा मैं यही प्रेफर करता हूँ कि अपना अगर आप एक सेगमेंट ऊपर चले जाते हैं, बेस मॉडल भी अगर आपको लेना पड़ता है तो वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। टॉप मॉडल में मैं इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं झेल चुका हूँ भाई। तो दूसरी गाड़ी है वो अपने पे टॉप मॉडल ली है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा ये फीचर्स के मामले में ऐसा है कुछ दिन में आप झिक जाते हो इनसे, और बड़ी गाड़ी का एडवांटेज आपको हमेशा सुख मिलेगा। और एक बार मैं आपको अभी हालत दिखाऊं वो सब कट्टे हटने के बाद, तो देखो नॉर्मल सा ही लगता है। और ये सीट कवर इतने बेकार हैं यार, देखना गंदे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और पीछे कवर मैं आपको हालत दिखा देता हूं। तो भाई बताना, मतलब ये ऐसी वीडियो लाइफ से जुड़ी हुई कुछ आपको अगर इंटरेस्ट है देखने में तो बता देना, ना तो भाई बता देना कि बेकार सी वीडियो कोई जरा तीन को बनाने की। तो ये देख लो भाई नॉर्मल ये सब कुछ, और चलने में भी काफ़ी बढ़िया है कार, बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ा था। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।